माननीय अध्यक्ष और सभा में बैठे सभी को हमारा जय भीम। दिवस की हम सभी को बधाई। मैं तो हम सब इसलिए उठ हुए हैं और पूरा देश हमारा हर मजदूर वर्ग आज रोड पे है, सड़कों पे है और आवाज वापस यह बोलने के लिए खड़ा है कि हमारे साथ अन्याय जो सदियों से होता आया है उसे अब तो मत करो। हम तुम्हारे हर काम करते हैं, आज भी तुमने हमको गुलाम बनाया हुआ है, तो हमें आज जिन्होंने हमें आजादी दी, जो जिस वर्ग ने हमें आजादी दी, इस देश को आजादी के लिए संविधान बनाने में आपके साथ एकजुट होकर विवेकता के साथ परिचय दिया, आज उसी समाज को पीछे से धकेलने के लिए हमारे जो सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं उसमें उनकी त्रुटियों को बताते हुए वापस उसको खरा निरस्त करने का काम किया गया है, जो उसका असर ज्यादातर एक तो पूरे समाज पे पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ जो महिलाओं पे पड़ेगा उसका असर वो और भी दयनीय होगा, इसकी चिंता ज्यादा है। मुझे ये कहना है कि जो पितृ सत्तात्मक देश है हमारा, हमें लगता है कि कोर्ट में जो बैठे हमारे जज हैं वो बिल्कुल मनोवाद और पितृ सत्तात्मक सोच से ग्रसित हैं, वो अमानवीय हो चुके हैं, उनको बिल्कुल ये समझ नहीं है कि महिलाओं और वंचितों के जो कानून बनाए गए थे उसकी समझ क्यों बनाई गई, इसकी भी समझ शायद उनके पास नहीं है, तभी इस तरीके का निर्णय वो सुनाते हैं। अगर समझ होती तो क्यों ये जो एक कहते हैं कि वो उसमें जो कानून है उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो दुरुपयोग होने के लिए उसे बचाने के उस कानून में भी प्रावधान है, तो हम उसको ना लागू करते हुए इस कानून को निरस्त करने के लिए अलग से वो जो उसमें त्रुटियों को ला रहे हैं वो बहुत चिंतनीय है। और हमें इस तरीके से अगर हम केवल अध्यादेश लाने की सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, बोल रहे हैं, हम सब आगे आ रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें और भी बड़ी संख्या में हर दिन प्रोटेस्ट करने होंगे, रोज रोड पे होंगे रहना पड़ेगा, ताकि इस सरकार को ये दिखा सके हम सब कि हम अगर इस देश में काम नहीं करेंगे तो तुम्हारा राज नहीं चल सकता है, तुम देश नहीं चला सकते मेरे बगैर, हमारी इतनी बड़ी आबादी है और तुम हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। हम सब जितने भी वंचित वर्ग हैं दिन रात मेहनत करते हैं और कभी हमारे साथ हर लेवल पे शोषण होता है, घर में शोषण महिलाओं के साथ होता है, बाहर में जाति के नाम पे शोषण होता है, धर्म के नाम पे शोषण होता है, और उसके बाद भी अगर हमारी राज्य केंद्र सरकार इस तरीके के अध्यादेश में लीपापोती करती है, वो अंदर से कुछ काम करवाती है और अध्यादेश के नाम पे हम सबको मतलब मूर्ख बनाती है, तो ये काम नहीं चलने वाला है, उनको अध्यादेश लाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट को हमारा जैसा एट्रोसिटी एक्ट, और वो ऐसा नहीं है कि किसी एक ने बनाया था, हर एक लोगों ने मिल करके उस एक्ट को बनाया है, एक एक व्यक्ति की आवाज है उसमें, तो आवाज को नहीं दबाई जा सकती, अन्याय की आवाज को दबाना ये अन्याय है, न्याय नहीं हो सकता, इसलिए हम सब अपने न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। और आज हम वापस शपथ लेने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं कि केवल बोलने आए हैं, हम हर दिन ये इस तरीके का चेतावनी देते रहेंगे जब तक हमारे जैसा हमारा संविधान अभी अमेंडमेंट के बाद बनाया गया था वो वापस हमें चाहिए। हम इसी के साथ आप सबका जो यहाँ पे साथ है सबको धन्यवाद देते हैं और तमाम आयोजकों को धन्यवाद देते हैं कि हम सबका साथ लेकर के हम सब आगे बढ़े और इस जो हमारा आंदोलन है, जो हमारी मुहिम है, जो हमारी डिमांड है, हर एक महिला, हर एक वंचित, हर एक मजदूर, हम सभी सुरक्षित हो, इसके लिए हम सब मिलके आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।